नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। आइए माइक्रो सर्विसेज की श्रृंखला में हम अगला वीडियो देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि जूल सर्वर कैसे बनाते हैं। जूल सर्वर जो कि API गेटवे भी कहलाता है, वो आपको मैं थोड़ी ही देर में डिटेल में और समझाऊंगा। आइए पहले जूल सर्वर का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम उसका ग्रुप नेम दे देते हैं com. थोड़ा सा मैं इसको के लिए बड़ा कर देता हूँ। com.spring.retail, क्योंकि हम रिटेल एग्जांपल ही ले रहे हैं। आर्टिफैक्ट नेम मैं डाल देता हूँ जूल, और मुझे क्या चाहिए रहेगा डिपेंडेंसीज, जूल वेब और डिस्कवरी, यूरेका डिस्कवरी। तो आइए ये तीनों हमारे पास आ गए, हम प्रोजेक्ट को जनरेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जनरेट होने के बाद ये हमारा डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएगा। इसको हम ले जाते हैं अपने ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हमने सारे अपने ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट रख रखे हैं, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ फ्रॉम इंटेलीजे, और हम इसको न्यू विंडो में ओपन करेंगे। आइए हम अपनी पॉम देख लेते हैं, pom.xml फाइल। इसमें हमारा जूल आ गया है, जूल का क्लाइंट आ गया है, स्टार्टर वेब आ गया है। तो हमारा पॉम फाइल को हम लोड कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमारा जो मैंने ये टाइम इसलिए रखा था क्योंकि हमारे डिपेंडेंसीज लोड हो रहे हैं। जब तक मैं आपको बताऊंगा कि जूल सर्वर मतलब हमारा एक ऐसा सर्वर जिसको हम बोल सकते हैं API गेटवे, जिस गेटवे को हम ब्लॉक कर देते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को। अगर हम URL देते हैं तो हमको एक्सपोज अपना पोर्ट नंबर URL पूरा एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको हाइड करके रख सकते हैं अपने दिए हुए नामों के द्वारा, जैसे सर्विस आईडी के थ्रू दे सकते हैं, उसका पोर्ट की जगह सर्विस आईडी दे दिया और उसको बोला कि, और अपने हिसाब से आप अपना जूल का नाम प्रिफिक्स आप सब सेट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका URL क्या है और आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे बहुत सारे जैसे फ्रॉड हैकिंग है, ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए, हमारा डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो गई हैं। अब हम मेन अपना क्लास में जाते हैं। आपको पता है कि हमारी मेन क्लास जनरेट होती है, जूल एप्लीकेशन जनरेट हुई है इस केस में। आइए इसमें हम दे देते हैं, हमको क्या लगेगा, इनेबल जूल प्रॉक्सी, क्योंकि हम जूल यूज़ कर रहे हैं। इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ये हमारे मेन इस क्लास में लगेंगे। और हमारा जो प्रॉपर्टी सेट करना है मेन इसमें जूल में वही होता है। तो इसमें आपको पता होगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, हम बना सकते हैं एक और फाइल जिसका नाम है एप्लीकेशन डॉट YAML। लोग YAML एंड बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये YAML फाइल है। और इस फाइल को हमको इस फाइल का ये फ़ायदा है कि हम जैसे हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हर चीज़ डॉट से देते हैं, जैसे कॉम डॉट समथिंग, इसमें हम कोलन से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपकी एप्लीकेशन डॉट YAML बनती है और उसमें हम कैसे डेटा रखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन डॉट YAML बन गई है। आइए मैं इसके जैसे ये दिखाना था आपको कि इसमें कैसे देते हैं। जैसे सर्वर डॉट पोर्ट की जगह हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखते थे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ आपको, इसमें मैं लिखूँगा सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल्स टू 8093। तो इसमें हम उसी चीज़ को YAML में हम ऐसे लिखते हैं, सर्वर कोलन और एक स्पेस देके पोर्ट,
और ये 8093। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि वायमल फाइल के फ़ायदे क्या हैं। जैसे अब आप अपन बात कर रहे थे कि हमको जूल एपीआई गेटवे डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जूल, मैंने एक इसका एक एलिमेंट दे दिया, और इसके बाद मैं प्रीफिक्स डिफाइन करूँगा कि मेरा प्रीफिक्स क्या है। मैं प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ अभी अभी के केस में, मैंने एपीआई गेटवे नाम दे देते हैं इसको, गेटवे। अब जूल एक्चुअली करता क्या है, ये राउट करता है चीज़ों को, कि मुझे अगर कहीं यूआरएल को किसी यूआरएल पर राउट करना है तो मुझे एक एलिमेंट उसमें फिर से डालना पड़ेगा जिसको मैं बोलूँगा राउट्स। तो ये होगा RoutES, राउट्स। राउट कहाँ करना है, किसी रिसोर्स पे करना रहेगा। तो मुझे, मेरे कुछ एलिमेंट्स मैंने कॉपी कर रखे हैं, मैं इसको ये रिसोर्स पे डाल, किस रिसोर्स पे, रिसोर्स क्या है हमारे पास, क्या क्या है, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो हमारे क्लाइंट सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं, लोकल होस्ट। आपको याद हो तो हमारी सर्विसेज जो रेडी हैं वो हैं प्रोडक्ट सर्विस और शॉपिंग कार्ट सर्विस। तो आइए इनको हम ऐसे राउट करते हैं कि हमें इनको कॉल करना है तो किस वे में कॉल करेंगे। तो लेट से मुझे इसको कॉल करना है प्रोडक्ट सर्विस को, तो मैं डालूँगा कॉपी करके सीधे अपने यहाँ से प्रोडक्ट सर्विस, तो मैं कॉपी करता हूँ प्रोडक्ट सर्विस को, ये देखिए। अब प्रोडक्ट सर्विस को मैं चाहता हूँ दोस्तों कि किसी को भी अगर कॉल करना है तो वो पहले उसका पाथ जो डिफाइन रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, पाथ कोलन। तो कोलन में मैं कुछ भी दे सकता हूँ दोस्तों, जैसे मेरे को प्रोडक्ट सर्विस कॉल करवाना है तो मुझे इसको रखना है अमित के अंदर। तो अमित जब भी कॉल होगा तो ये मतलब प्रोडक्ट सर्विस के अंदर की कुछ चीज़ें कॉल होंगी, और मैं पाथ के अलावा मैं सर्विस आईडी भी दे सकता हूँ और यूआरएल भी दे सकता हूँ। तो मुझे अपना यूआरएल एक्सपोज नहीं करना है तो मैं सर्विस आईडी दूंगा, और मेरी सर्विस आईडी क्या रहेगी, जो कि मेरी सर्विस आपको पता है जो अपन ने डिफाइन कर रखी है प्रोडक्ट सर्विस। तो अमित के अंदर जब भी प्रोडक्ट सर्विस आएगा तो मेरी ये प्रोडक्ट सर्विस कॉल हो जाएगी। सिमिलरली मुझे अगर कोई दूसरा, जैसे मैं हमारे पास एक और है शॉपिंग कार्ट, तो आइए शॉपिंग कार्ट को भी डिफाइन कर देते हैं। वो किस वे में करूँगा मैं, कि मुझे शॉपिंग कार्ट सर्विस कॉल करनी है तो मेरे को उसका पाथ जो है कुछ सेट करना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर कर देता हूँ कार्ट स्लैश, अब कार्ट के बाद जो भी आएगा सर्विस आईडी शॉपिंग कार्ट, इस टाइप से मैंने अपने कॉल्स डिफाइन कर दिए कि मुझे किस टाइप से कॉल करना है। आइए दोस्तों फिर इसके बाद मुझे जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेट कर देते हैं, जैसे सर्वर डॉट पोर्ट, स्प्रिंग नेम, एप्लीकेशन नेम, मैनेजमेंट एंड पॉइंट, ये सब हम इसको सेट कर देते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, सर्वर डॉट पोर्ट तो आपको पता ही है, मैंने 8093 डिफाइन किया हुआ है, जूल सर्वर और मैनेजमेंट एंड पॉइंट राउट्स यस ट्रू किया है, एंड पॉइंट रीस्टार्ट इनेबल ट्रू। आप चाहें तो दोस्तों इसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं, बट हम वाईएमएल में इसलिए क्योंकि हमको, अगर मान लीजिए जैसे ये आप देखेंगे तो जूल के अंदर प्रीफिक्स के अंदर राउट्स के अंदर प्रोडक्ट सर्विस मैंने दो बार डिफाइन कर दिया है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी फाइल लिखेंगे तो ये दो बार लिखना, दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी, तो इसलिए ये वाईएमएल ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा करके और देख लीजिए, जूल प्रीफिक्स राउट्स रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर प्रोडक्ट सर्विस और शॉपिंग कार्ट सर्विस, तो ये आप इस टाइप से डिफाइन कर दीजिए।
आप एक ही प्रॉपर्टी में दोनों चीज़ें हो गई। तो आइए दोस्तों, हमने ये भी सेट कर दिया, हमारी क्लास फाइल सेट है। हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं जूल एप्लीकेशन कैसे रन होता है और हम इसको किस वे में अपने यूआरएल को कॉल करेंगे कि हमारा सक्सेसफुली कॉल हो जाए। तो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप YAML लिखिए और उसमें डिफाइन कर दीजिए कि मुझे जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि मेरा थर्ड पार्टी कोई है उसको मेरे को अपना यूआरएल देना है, तो यूआरएल मत दीजिए उसको, सिंपली बोल दीजिए कि आप एपीआई गेटवे के अंदर, अमित के अंदर आपको प्रोडक्ट सर्विस यूज़ करनी है तो कॉल कर लीजिए। तो इस वे में आपका प्रोडक्ट सर्विस डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो हम देखते हैं, एक बार हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो जाए। तो ये जूल सर्वर देख लीजिए, स्टार्ट हो गया है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा जो यूरेका सर्वर है उस पे हमारा जूल सर्वर रजिस्टर। तो कहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ पोर्ट नहीं दिया इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा, इसलिए हमको उसको सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे को किधर मैंने इसको कॉल किया है। इसको चेंजेस कर दिए हैं, फिर से हम इसको कॉल कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ YAML में ही लिखा है तो YAML में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर्टी फाइल में भी जाके डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे वहाँ पर ज़्यादा ईजी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बस यही है कि चलिए, जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमको तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिंटेक्स बेस्ड है, अभी जैसे इसको हटा दिया हमने। आइए अपन इसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डाल देते हैं, तो ये वहाँ से पिक हो जाएगा। इसका ज़रूरी नहीं कि हमको वहीं से इसको कॉल करना है तो वहीं से पिक होगा। देखिए, सिर्फ इसको चेंज करने का ये तरीका है। सर्विस यूआरएल क्या है हमारा, डिफ़ॉल्ट जोन इज 8070 और ये बाकी की चीज़ें हमारी हट गई। क्लोज ऑल टैब। अब तो दोस्तों आपको सब याद हो गया होगा कि कैसे हमको सर्वर को स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ें चालू हैं अगर उसको हमारे कुछ एरर आ रहा है तो वापस सारी क्लोज करना है, क्योंकि ये इंस्टेंस बेस्ड है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इसमें बहुत ही लूजली कपल्ड है, तो मुझे एक से दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ वो अपने आप वो अपने आप ले लेता है इस चीज़ को। तो ये देखते हैं जूल सर्वर स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया है हमारा, ये यूरेका सर्वर है। देखिए दोस्तों, जूल सर्वर हमारा आ गया है पोर्ट 8093 पे। अभी मुझे इससे मान लीजिए शॉपिंग कार्ट सर्विस कॉल करनी है तो मुझे क्या यूआरएल डालना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी मेरे पोर्ट है मान लीजिए, मैं आपको नोटपैड पे दिखाता हूँ यूआरएल बना के। तो हमारा यूआरएल क्या रहेगा, लोकल होस्ट कोलन 8093 स्लैश
एपीआई गेटवे स्लैश शॉपिंग कार्ट का कॉल करना है, कार्ट स्लैश शॉपिंग। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये रन करके इससे शॉपिंग कार्ट का एप्लीकेशन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमने रन किया, ये देखिए दोस्तों हमारा शॉपिंग कार्ट का कॉल हो गया। तो ये जूल सर्वर का ये फायदा है कि आप एपीआई गेटवे से शॉपिंग कार्ट की एप्लीकेशन, आपने अपना मेन पोर्ट नंबर हाइड कर लिया और आपको सिर्फ ये 8093 देना है जो कि 8093 जूल सर्वर का पोर्ट नंबर, इससे और किसी चीज़ का रिलेशन नहीं है। तो आपने सिर्फ इसको एक्सपोज किया और इससे बाकी की चीज़ें आपने सॉर्ट आउट कर ली और बाकी चीज़ें हाइड कर दी। तो ये होता है एपीआई गेटवे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अपनी एप्लीकेशन में इसको यूज़ करना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें और सभी को दिखाएं और अपना नॉलेज बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया बट ये जूल सर्वर का कंसेप्ट सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इसमें हमने ये भी सीखा कि हम वाईएमएल फाइल कैसे बनाते हैं और प्रॉपर्टी फाइल और वाईएमएल फाइल दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्फ़िग सर्वर कैसे बनाते हैं और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।